So that's the entry of the hotel. Once you enter, आप यहाँ से एंटर करते, कितनी सुंदर पेड़ है यार. This is the reception area. It's beautiful. यहाँ पर भी कुछ है, मुझे कंफर्म करना होगा ये क्या है. देख के लग रहा है कि this is the banquet, but I'll have to confirm. This is the reception. और मैंने कल वाले व्लॉग में आपको दिखाया था, मेरे दोस्त यहाँ पर सबका स्वागत कर रहे हैं. दैट्स द रिसेप्शन एरिया, द लॉबी. रेस्टोरेंट इज ओवर देयर. एंड यस, द स्कूटर, ये पढ़ो आप, पॉज करके इसको पढ़ना. इधर पे शॉप्स वगैरह है, अभी बंद है, बाद में दिखाऊंगी. ज्वेल्स एंड क्राफ्ट्स, जैसे कुछ मैं सामने से ऐसा दिखा देती हूँ आपको. इस तरह का. दैट्स द रिसेप्शन एरिया, वॉशरूम, सीगल कैफे. बहुत प्यारा रेस्टोरेंट है यहाँ पर. एंड दिस इज अनदर एरिया. आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू गो अप देयर, बट मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ. दैट्स अ टेरेस काइंड ऑफ एरिया. यहाँ पर मुझे बेस्ट चीज़ जो लगी, देर आर सो मेनी प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वैरायटी. बहुत अलग अलग तरीके के तरह के प्लांट्स हैं. देखिए, आपको सिर्फ प्लांट्स ही प्लांट्स नजर आएंगे. एक बार जरा ऊपर जाकर देखते हैं क्या है. ओके, इट्स जस्ट अ टेरेस काइंड ऑफ एरिया, नथिंग एल्स. ओह, देयर इज एन ओपन सीटिंग एरिया एज वेल. देयर, कब आना है इस तरह का. अब चलिए हम चलते हैं नीचे. यहाँ से Look at this plant. Look at these flowers. How beautiful. मैं अभी next month से gardening start करने वाली हूँ, तो मुझे plants का बड़ा ही मतलब plants देखकर आजकल बहुत खुशी हो रही है. पहले भी अच्छे लगते थे plants, but अभी कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगने लगे हैं. That's the pool. हम यहाँ से सीधे भी आ सकते थे, that's the reception, वहाँ से हम straight आ सकते थे, but हम ऊपर से ऐसे आए. देखिए कितना बड़ा tub है. मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे कमर तक आ रहा है, till here. So it's huge. Now, क्या क्या facilities है यहाँ पर देख लीजिए. अभी जरा देखते हैं, इस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं. दैट्स द पूल, जैसा मैंने दिखाया था. बहुत बड़ा पूल है और पहली बार मैंने देखा किसी पूल में ऐसा ब्रिज टाइप का है. कल मैं जब आई थी, मैंने इस साइड का पूल नोटिस ही नहीं किया. आई थॉट कि इतना सा ही पूल है. बाद में दिखाई दिया कि इतना बड़ा पूल है. नाउ लेट्स गो देयर. रिसेप्शन एरिया में ही ये हेल्प डेस्क है रामको का. रामको का ही इवेंट करने मैं यहाँ पर आई हूँ. इट्स माय थर्ड टाइम विद देम एंड आई मस्ट थैंक देम फॉर देयर जेनरोसिटी, बिकॉज मेरा पहला इंटरनेशनल था फुकेट एंड इट वाज विद देम. मेरा पहला इवेंट विद रामको वाज आल्सो इन फुकेट. तो मतलब उनका ट्रस्ट वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि मैंने पहले कभी उनका काम किया नहीं था, बट स्टिल उन्होंने मुझ पे ये ट्रस्ट रखा और मुझे इंटरनेशनल लेकर गए. तो दैट वाज रियली वेरी स्वीट ऑफ देम. एंड उसके बाद आई वेंट टू भुवनेश्वर विद देम एंड नाउ टू गोवा एंड होपफुली देयर विल बी मोर वेरी सून. सो ये रहा पूल.
देखिए हर तरफ आपको सिर्फ पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे एंड लुक एट दैट, डू यू सी दैट, वाओ। हाँ, एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूँ, ये अपने स्पाइसेस खुद ग्रो करते हैं, अपने वेजिटेबल्स जितने हद तक हो पाता है खुद ग्रो करते हैं, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि बिल्कुल पककर तैयार है। एंड वो गार्डन भी दूर नहीं है, मैं जाऊँगी अभी देखने। अगेन यहाँ पर कुछ कॉटेजेस है। हाँ, जो मैंने आपको बिल्डिंग दिखाई थी ना, दैट इज़ दी हॉल, जो एंटर करते ही लेफ्ट साइड में पड़ रहा था, दैट इज़ दी हॉल। और यहाँ पर शायद आज का फोटो बूथ होने वाला है, द सेटअप इज़ रेडी। हॉल के अंदर क्या है वो तो मैं बाद में दिखाऊंगी, अभी इट्स क्लोज्ड। ये फोटो बूथ होगा मोस्ट प्रोबेबली। लेट्स गो देयर, इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। See, such beautiful plants. Wow. Look at those leaves. Or grass itni achhi hai. It's so green, well mowed. Now, let's say hello to them. Hello. Hi, just look at her. Hello. So sweet. Hello. Hello, so sweet, she's so cute. Mom, 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 mom. Oh, she's thinking मैं खाना देने आई हूँ बेचारी, if I had food मैं ज़रूर देती, but इनको क्या खिलाते हैं, इनका अलग खाना होता है and they only feed them as in the hotel staff feeds them, so ये देखो एक महाराजा भूत बनकर यहाँ पर घूम रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं पानी के अंदर। They are so cute. All right, यहाँ पर एक सीटिंग एरिया है बहुत प्यारा सा, एंड इधर पे भी कॉटेजेस है, those are colorful cottages. Sun is over there, तो शायद देखने में थोड़ी सी असुविधा हो, but look at those birds. So nice, right? Let's have a look at these plants. Wow. दिल खुश हो जाने वाली प्रॉपर्टी है, दिन भर आप यहाँ पर बैठे रह सकते हो। हाँ, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए चिपचिपापन है, बट अगर ह्यूमिडिटी थोड़ी सी कम होती ना, आप दिन भर ऐसे लॉन में बैठे रहते और अपना टाइम एंजॉय करते। पूल के पास ये एक बोट रखी हुई है, इट्स डैमेज्ड बट इट्स एंटीक, वेरी नाइस। Please shower before entering the swimming pool. And एक बार फिर से यहाँ पर plants ही plants है। यहाँ पर है spa and the gym. Time लिखा हुआ है तो I guess अभी बंद होगा because it's only 7:30 now. यहाँ पर there's a cafe और restaurant. मैं ये भी दिखाऊँगी आपको बाद में, पहले ज़रा इधर चलते हैं। वहाँ पर कुछ गेम्स हैं, डार्ट है एंड आई गेस शूटिंग है, और मे बी इट्स जस्ट डार्ट, पता नहीं, देखना होगा। ओके, सो दिस इज़ देयर क्लब हाउस, और ऊपर भी सीटिंग एरिया है, यहाँ ओपन सीटिंग भी है। That's the bar. Cabana seating का भी प्रबंध है, a gentleman is welcoming you over there. Oh, there are bikes as well. See, wow.
आई गेस पूरी प्रॉपर्टी घूम कर देख सकते हैं। आई हैव टू आस्क। वाओ सो नाइस। पूल के इस तरफ ये बच्चों का एरिया है बट नॉट सो मच अन यूज। यहाँ पर स्लिप एंड लैडर, उधर स्विंग, ये मेरी गो राउंड है आई गेस। हाँ ऑलमोस्ट। ओह साइकिल वाला मेरी गो राउंड है। एंड यहाँ पर वो लैडर्स वाला गेम एंड सी सो। बहुत सारे गेम्स तो है बट नॉट सो मच इन यूज। और ये शायद इनका आइसक्रीम पार्लर है, मामा मिया या आई डोंट नो, ओपन कैफे भी हो सकता है। इक्विपमेंट्स तो सारे नज़र आ रहे हैं बट देयर इज नथिंग, तो आई गेस ये भी यूज में नहीं है। नाउ लेट्स गो समवेयर एल्स। दिस इज द एंट्री टू द कॉटेजेस। सारे मैं आपको दिखाऊंगी, फिलहाल लेट मी शो यू दिस पार्ट। लुक एट दोस प्लांट्स, ट्रीज आर सो नाइस। एंड रीड दिस, यहाँ पे करी पत्ता का एक छोटा सा प्लांट नज़र आ रहा है एंड दे हैव प्लांटेड चिलीज एंड और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स। एंड अभी तो सारे सैपलिंग्स ही है, छोटे छोटे हैं सब, बट धीरे धीरे बड़े भी हो जाएंगे एंड फ्रूटफुल होंगे। और बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ देखकर। एंड इस साइड ना उनका कुछ आई गेस प्राइवेट एंट्री टाइप कुछ होगा होटल स्टाफ का, बहुत अच्छा लग रहा था बट आई गेस एंट्री रेस्ट्रिक्टेड थी। ये है स्टार्टिंग ऑफ द एरिया और मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या प्लांट्स है। देयर इज ब्लैक पेपर और भी बहुत कुछ है। हाँ यहाँ पे बगीज भी है, दे ड्रॉप ऑफ देयर कस्टमर्स टू देयर रूम्स विद बगीज। हियर इज द स्पाइस प्लांटेशन। मतलब आप थक जाओगे घूमते घूमते बट ये प्रॉपर्टी ख़त्म नहीं होगी। इट्स ह्यूज एंड बहुत कुछ है देखने को। यहाँ पर दे हैव देयर प्लांट्स, लुक एट दिस ब्यूटीफुल वन। They do gardening. That's the best part. ऐसा लग रहा है मैं बोटानिकल गार्डन में आ गई हूँ। अगर हर प्लांट का नाम लिखा रहता ना तो बेस्ट होता। But nonetheless, it's very pretty. इस तरफ मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊँगी because these are cottages and लोग अंदर rooms में हैं। Very nice cottages. आप देखो हर लॉन में benches दिए गए हैं, आप आराम से आकर इन पर बैठ सकते हो, enjoy कर सकते हो। मतलब जब आपका मन करे, जैसे आपका मन करे, you can enjoy. अब ज़रा चलते हैं मेरे room के side. These plants. मैंने हमेशा plastic के इन plants को देखा है but look at them. मतलब दूर से देखोगे तो लगेगा दिस इज प्लास्टिक बट इट्स सो प्रिटी एंड इतना सही बनाया हुआ है इसको। एवरीवन इज चेकिंग आउट दीज फ्लावर्स बिकॉज ऐसा डेकोर हमने सिर्फ फ्लावर बुकेज में देखा है, इस तरह से लीव्स को मोड़ मोड़ कर फ्लावर बुकेज बनाते हैं। बट लुक एट दिस, आई एम हियर एट द रेस्टोरेंट नाउ एंड देखते हैं क्या क्या है। दैट्स द टी कॉफी काउंटर, दिस इज़ दी डोसा काउंटर, शेफ इज़ मेकिंग डोसा। और यहाँ पर है चटनी वगैरह। लेट्स हैव अ लुक एट इट ऑल। सांभर, इडली, बीटरूट इडली, वाओ ये तो ट्राई करना ही पड़ेगा। देयर्स पोंगल, वड़ा, साउथ इंडियन स्पेशल यहाँ पर है।
अब आते हैं इस ओर हर्ब रोस्टेड पोटेटोज, दिस इज पेस्टो ड्रेस्ड टमेटो, अपीलिंग नहीं लगा मुझे ये, एंड छोलार दाल, दिस इज आवर बंगाल स्पेशलिटी, लूची एंड छोलार दाल, देयर इज मूंग दाल हलवा हियर, द फ्रूट्स काउंटर इज हियर, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, फ्रेश फ्रूट्स यहाँ रखे हुए हैं, पपाया, ओह टू टाइप्स ऑफ पपायास, या फिर ये शायद मेलन भी हो सकता है, ये तो पक्का ट्राई करना, लुक एट द कलर ऑफ द पपाया, देन वी हैव बेक्ड बीन्स हियर, अकूरी, आई डोंट नो व्हाट अकूरी इज, बट देन देयर्स चिकन सॉसेजेस एंड बेकरी, नाउ जूस काउंटर इज हियर, दैट्स द एग काउंटर, पहले मेरा वहाँ पे काम था, अब और काम नहीं है, आई हैव टर्न वेजिटेरियन हैप्पीली. पैनकेक काउंटर, वाओ इतने सालों में पहले, ओह माय गॉड लुक एट दैट, इतने सालों में मैंने पहली बार देखा कि लाइव पैनकेक काउंटर भी है. देयर इज हॉट मिल्क, कोल्ड मिल्क, अगेन मेरे काम का नहीं है. दिस इज टी एंड कॉफी काउंटर, ओके दिस इज अ लाइव काउंटर, और वहाँ पर वो एरिया था. नाउ जूसेस यहाँ पर है, ये समझ नहीं आ रहा क्या जूस है, बट डिटॉक्स हो सकता है. दिस इज ऑरेंज जूस, देयर इज फ्रेश वाटरमेलन जूस, कोल्ड कॉफी, द टोस्टर इज हियर, वी हैव ब्राउन ब्रेड एंड वाइट ब्रेड, ऑरेंज मार्मलेड, मिक्स फ्रूट जैम, पाइनएप्पल जैम, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेड, दैट्स मल्टीग्रेन. ना यहाँ पे देखो, दिस इज़ माय फेवरेट काउंटर, बिकॉज अब तक आपको पता चल ही चुका होगा मैं केक्स एंड पेस्ट्रीज अवॉइड नहीं कर सकती, तो देयर इज क्रोसों, पेस्ट्री, बर्लाइनर और बर्लिनर क्रीम, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, ग्रनोला बार, बनाना केक, बहुत कुछ यहाँ पर है, आई विल ट्राई ईच एंड एवरीथिंग. Then we have salad, yogurt, soya milk. I can have this. Chicken salami, cheese and sprouts. That's it. That's the entire spread. यहाँ पर मैंने कुछ स्पाइसेस आपको दिखाए थे, और हर कॉटेज के सामने आपको ऐसे प्यारे से लॉन्स मिलेंगे. क्यों, इस कॉटेज का नाम है रोज, हर कॉटेज का अलग अलग नाम दिया गया है, नॉट जस्ट वन कॉटेज बट इस रो में जितने भी कॉटेजेस हैं, इस पूरे लेन का नाम है ऐसा, मतलब हर लेन का अलग अलग नाम दिया गया है. लेफ्ट साइड का वो आपको दिखाऊंगी, देन जाऊंगी मेरे रूम के पास, मेरे रूम वाला एरिया कल वाले व्लॉग में भी मैंने थोड़ा सा डाला था. सी सो ब्यूटिफुल, मतलब आप जिस एरिया में भी आओ आपको लगेगा यहाँ पर एक अलग रिजॉर्ट है, देन कहीं और जाओ फिर लगेगा अच्छा वहाँ पे एक अलग रिजॉर्ट है, इट्स वेरी नाइस. ये वाला पेड़ ना मैंने बचपन में ही देखा था, बहुत सालों बाद अब यहाँ देखने को मिला है, दीज आर दी फ्लावर्स. बल्ब जैसे ऐसे रहता है, मैं बचपन में जब खेलती थी गांव में जब रहते थे हम, तब मैं इनको बल्ब्स कहती थी, और दुकानदार खेलते थे हम सारे बच्चे मिलके, तो बल्ब्स बेचा करते थे. सी कितने सही प्लांट्स हैं, दिस इज दी फ्लावर. ये मेरे कॉटेज की तरफ
जाने वाला रास्ता। और यहाँ पर भी देखिए हर जगह सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इधर पे भी एक सोरा लेन यहाँ है, लुक एट देम, ये देखो एक सोरा प्लांट्स यहाँ लगे हुए हैं। It's the prettiest resort I have ever stayed in. See, मेरा तो मन कर रहा है मैं ज़रा जूते खोल कर खाली पैर यहाँ पर चलूँ। My goodness, it's so soft. Look at these flowers. यार हमको शहरों में तो ऐसा मिलता ही नहीं है to enjoy the grass. वहाँ पर देखो बोगनविलिया। एंड माय फुटप्रिंट्स, मैंने बस यहाँ पर हार्डली 30 सेकंड्स के लिए चली होंगी, इतना भीगा है कि मेरे पैरों में पानी आ गया। लव इट, लव ऑल द प्लांट्स। यहाँ पर है पाम लेन, एज यू कैन सी यहाँ पर पाम ट्रीज ज़्यादा है, पीछे बड़े हैं एंड यहाँ पर छोटे भी है। बट मैं हर लेन में जाकर आपको नहीं दिखा रही बिकॉज ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। अंदर जाओ तो आपको प्लांट्स ही प्लांट्स नज़र आएंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स। यहाँ पर कोकोनट ट्रीज है, अलग अलग तरीके के फ्लावर्स हैं। यहाँ के जितने भी माली है ना, they are doing a wonderful job, hats off to the gardeners. ye dekho, now that is hibiscus. wow, wahan par ek aur pool nazar aa raha hai, let's go there. okay, there's another pool here, chalo dekhte hain. हिबिस्कस प्लांट्स, अभी फ्लावर्स उतने ज़्यादा नहीं हैं, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, वेल प्लान्ड। देयर इज दिस पूल, दिस इज मच स्मॉलर एंड थोड़ा सा प्राइवेट टाइप का है। यहाँ पर बहुत कम लोग ही इसको यूज़ करते हैं आई गेस। सामने वाले पूल में ज़्यादा लोग जाते हैं बिकॉज वो बड़ा भी है, और यहाँ पर पूल था तो मुझे पता ही नहीं, मैं कल की आई हुई हूँ। ऑलमोस्ट मेरे कॉटेज के पास आ चुके हैं, मेरा कॉटेज मैंने आपको कल दिखा दिया था। ये है उसका एडजॉइनिंग एरिया, लिली लेन इज़ ओवर देयर एंड हियर एज वेल। और दैट्स दी लॉन जहाँ पर कल हमारा इवेंट हुआ है, दैट इज़ अनादर लॉन। अब हम बीच की तरफ जाएंगे, इधर से तो बाकी आपने देखा हुआ है, चलिए बीच चलते हैं। एंड इनको भी ज़रा देख लीजिए, ये बैठ के इंजॉय कर रहे हैं यहाँ का व्यू, और वो पॉइंट करके उस तरफ मेरा कॉटेज दिखा रहे हैं। द लेजेंड ऑफ डोनापोला, डोनापोला ब्रिज भी है हमको पता है। Now let's see what's the legend. ये है बीच जाने का रास्ता, यहाँ पर पूरी मिट्टी है। मैं थोड़ी देर मिट्टी में चली, फिर मैंने सोचा चलो यहाँ साइड से चलते हैं। बड़ा प्यारा है यार, बहुत सुंदर है। देखो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल सारे पड़े हुए हैं, भैया लोग इसे क्लीन कर रहे हैं। ये कल के इवेंट का वेस्ट है, वहाँ पर वी कैन सी समवन वर्किंग आउट। और बीच जाके अब आपको बाकी का दिखाती हूँ। अब इससे ज़्यादा बेंड नहीं हो सकती। और खाली पैर चल रही हो यार, सैंड कितनी सही है, पूरी वाइट सैंड है,
सी, मतलब अभी तो मैं हर चीज़ से फैसिनेट हो रही हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहे, मैं आपको और भी नज़ारा दिखाऊंगी, बहुत कुछ दिखाऊंगी। ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी क्योंकि धूप तेज़ होने लगी है, बस आपको दिखाकर मैं रूम चली जाऊंगी। चलते चलते मैं आ ही गई, अब ज़रा पैर डुबाएंगे यहाँ पर। वाव, मज़ा आ रहा है, सी कितना सही है यार, वहाँ पर ग्रीनरी भी है। आई डोंट नो आपको दिखेगा कि नहीं, बट ये जो लाइन है ना वो है ग्रीन, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, और पीछे भी वो पहाड़ वाला जो रेंज दिख रहा है, पहाड़ है प्लस पेड़ भी है। चलो अभी ज़रा पैर वैर भिगा कर आते हैं। मैं जब भी कभी समंदर में आती हूँ ना, इस तरह मैं पानी के पास आकर खड़ी हो जाती हूँ, फिर मैं गेस करती रहती हूँ कि कौन सा वेव आकर टच करेगा। जैसे ये तो आने से रहा, वो पीछे जो बड़ा वेव आ रहा है मुझे ये आ रहा है, ये तो नहीं आएगा। वो बड़ी वाली वेव जो आ रही है ना, उसका चांस है मुझे उस साइड वाला। वाव, आई मिस दिस यार। वाव, थोड़ा सा बचकाना फील हो सकता है आपको। वाव, उस वेव को देखो, कितना बड़ा वेव आ रहा है, माय गुडनेस, दैट्स द बिगेस्ट वेव अभी तक, मतलब जब से मैं खड़ी हूँ। बट वो छोटा हो गया, वही होता है, सारे वेव्स ना पास आके छोटे हो जाते हैं। बट पानी ना बढ़ रहा है ऐसा लग रहा है, ये देखो ये बड़े बड़े वेव्स आने लगे। और अभी जस्ट एक बोट आई है, मैं आपको दिखा दूँ वहाँ पे। आपको लग सकता है मैं मैडम पे जूम करी, बट ऐसा नहीं, पीछे जो बोट आके खड़ी है ना, वो बोट कल भी यहाँ से जाने वाली है। ऐसे बहुत सारे बोट्स जाने वाले हैं, दिल गो फॉर डॉल्फिन विजिट्स, डॉल्फिन्स देखते हैं। सुबह सुबह निकलेंगे 7 बजे के आसपास, बट मैं नहीं जा पाऊँगी बिकॉज मेरी कल 12 बजे की फ़्लाइट है, एंड बाई 10 एनी हाउ मुझे पहुँचना होगा एयरपोर्ट। दैट इज दी बोट, हाँ, तो मेरी 12 की फ़्लाइट है एंड 10 तक मुझे एयरपोर्ट पहुँचना ही पड़ेगा। यहाँ से 1 घंटा लगेगा या फिर ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक। हालांकि सुबह सुबह उतना ट्रैफिक तो शायद रहेगा नहीं, बट यू डोंट नो। तो वी विल लीव एट अराउंड 8:38 का टारगेट लेंगे, निकलते निकलते 8:30 हो ही जाएंगे। तो विल रीच एयरपोर्ट बाई 9:30-10 एंड बड़ी सी देर बाद ये बोट रवाना होती है सुबह 7-7:30 बजे, 1.5 घंटे का पूरा टूर करके वो वापस आते हैं। तो आई कॉन्ट टेक रिस्क, अगर मैं 7 बजे वाले बोट में भी जाऊँ, मुझे आते आते 8:30 हो जाएगा, जबकि मेरे निकलने का टाइम है 8:30। ओह वाओ, ये बहुत बड़ा एक वेव आया, और भी बड़ा वेव आ रहा है, लेट्स सी। अभी जरा बड़े बड़े वेव्स आ रहे हैं, मज़ा आने लगा है, लेट्स सी लेट्स सी। वाओ, दिस वाज द बिगेस्ट अभी तक का। ओह माय गॉड, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक रही है। वहाँ पानी में और इतने बड़े बड़े वेव्स आ रहे हैं, वो मैम बोल रही थी कि पीछे आ जाने, बट सच्ची बहुत बड़े वेव्स आने लगे। नाइस, चलो वापस चलते हैं। देखो इन प्यारे प्यारे बच्चों को, देखो सब यहाँ पे आके सो रहे हैं, सैंड में मज़ा आ रहा होगा इनको। उधर भी एक भोलू सा प्यारा सा बैठा हुआ है, सो क्यूट। सैंड में चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो अभी मैंने एक आइडिया निकाला, जहाँ जहाँ मुझे फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं मैं वहाँ पैर रख रही हूँ, तो मेरा पैर ज़्यादा दब नहीं रहा है एंड इट्स ईजियर टू वॉक दिस वे। इससे पहले नहीं तो जहाँ कहीं भी रखने से पैर दब रहा था, फिर उसको उठाना पड़ रहा था, फिर अलग से एक और जगह बनानी हो रही थी, तो इसीलिए अभी मैं फुटप्रिंट्स देख देख के आई एम स्टेपिंग ऑन दोज and it's quite easy this way. My little friend there bhaga daudi kar raha hai. Hello. Hello bagula ji. Rocket by baby on the tree top. When the wind blows the cradle will rock. Na mai baby hu na ye cradle hai. But mere pairon mein chhi 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 kaise mitti lagi hui hai. Mitti to nahi hai, sand hai. Wahan tha beach. मैं आ गई बीच से यहाँ सीधे,
सर रेस्ट करने बड़ा मज़ा आ रहा है यार, क्या ही बताओ, लिविंग माई बेस्ट लाइफ। कुछ ऐसी है कि मैं व्लॉग बना तो रही हूँ बट ऐसा ना हो कि फ़ोन इधर उधर करते करते कहीं मैं उलट के गिर जाऊँ। सो दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग हियर, आई एम एंजॉयिंग इट। मेरे रूम का बालकनी और यहाँ भी पीछे की ओर है छोटा सा एक गार्डन, दिस इज़ प्राइवेट गार्डन टाइप का, बहुत प्यारा है यार, हर चीज़ बहुत खूबसूरत है। और एक छतरी दी गई है बीच पर अगर जाना हो या बारिश हो तो। मन कर रहा है बालों में फूल लगाने का, तो यहाँ पे एक फूल गिरा हुआ है नीचे, इफ़ इट्स नॉट डैमेज्ड मैं इसे लगाऊंगी, बट ये थोड़ा सा तो डैमेज्ड है, इसी को लगा लेती हूँ। मैंने खत्म करके मैं बस रूम आई, ड्रेस चेंज किया, मैंने बुक ले ली और ये स्नैक्स लेके अब मैं जा रही हूँ झूले पर बैठने, एंड दैट्स माय रूम की। बस ऐसे ही अपने घर वाले कपड़ों में जाऊंगी इस झूले पर, मज़ा आएगा। मैंने इस पर चढ़ने की कोशिश की और बहुत ऊंचा है ये, ग्राउंड से और ऊपर से इसमें धूप भी, अब मैं जाऊँगी उस वाले में, वो नीचा है, मेरे लिए एकदम परफेक्ट हाइट होगा इसका। उधर भी एक और है बट दैट्स फार अवे, सो आई विल यूज दिस वन। इसी में मैं दोपहर को भी झूल रही थी, मज़ा आएगा। कितना सही है ना, सोचो देखो ये स्टैचू बन गया, शिकार करेगा, पक्का शिकार करेगा, देख रहा है किसी एक चीज़ को आराम से, आई मीन रुक रुक के। गले का हाल ख़राब हो गया है, अवार्ड सेरेमनी थी तो चिल्ला चिल्ला कर लोगों से तालियां बजवा बजवा कर बैंड बज चुकी है मेरे गले की। देखो क्या सही व्यू है यहाँ से, दी बेस्ट, आई बताओ क्या मज़ा आ रहा है। मैं तो इसे झूल रही हूँ, मैं उल्टा झूल रही हूँ, यूजुअली ऐसे सोते हैं, मैं ऐसे बैठ के झूल रही हूँ, बहुत सही है यार। मैं क्या बोलूँ यार इसके बारे में, तुम खुद ही देखो, लुक एट दैट ब्यूटी। और वहाँ वो लोग चले गए, एक्चुअली मैं यहाँ पर थी ना तो थोड़ा दूर भाग गए, अदरवाइज ये लोग इतने पास थे, मतलब इधर इस एरिया तक थे, अब चले गए दूर।